वेलकम बैक टू अनदर वीडियो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली और पंजाब के बीच में होने वाला मैच, जो कि यह मैच अरुण जेटली स्टेडियम होने वाला है न्यू दिल्ली में। और यह दिल्ली का होम ग्राउंड है दोस्तों। यह 59वां मैच होने वाला है दोस्तों। तो मैं सबसे पहले मैं आपको एक प्लेइंग 11 बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊँगा, और हम फिर बात करेंगे कि हेड टू हेड मैच के बारे में, और कौन सा टॉस के बारे में मैं बताऊंगा, और मैच के बारे में बताऊंगा मैच टीम के कि मतलब कौन जीत सकता है टॉस और कौन जीत सकता है मैच, क्योंकि यह मुझे मैंने इसके बारे में बहुत ही देखा है, मैंने बहुत ही इसके बारे में किया है रिसर्च। तो बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का कहना यही है कि आज टॉस ये प्लेयर टीम जीतेगा और ये मैच टीम जीतेगा। तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, और हम कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों की जो आज के मैच में अच्छा पॉइंट आपको देने वाले ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो अगर स्टार्ट होने से पहले दोस्तों बता दूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। दोस्तों अब बता दूँ प्लेइंग 11 दिल्ली के बारे में। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल रहेंगे डेविड वार्नर, फिलिप सॉल्ट रहेंगे, मिचेल मार्स रहेंगे, मनीष पांडे रहेंगे, मिचेल और रूसो रहेंगे, रोमन पॉल खेल सकते हैं, रूसो या रोमन पॉल की जगह पर आज दोनों से कोई एक प्लेयर खेल सकता है, क्योंकि मुझे इन दोनों में डाउट लग रहा है कि तो उसके बाद देंगे अक्षर पटेल रहेंगे, अमन खान रहेंगे, ललित यादव, ट्रिपल पटेल, कुलदीप यादव, खलील अहमद और ईशांत शर्मा। ये हमारे हो गए दिल्ली के टॉप 11 प्लेयर्स जो कि आज के मैच में 100% खेलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि पंजाब का होगा, तो मैं यहाँ बता दूँ पंजाब के लिए, तो पंजाब का हमारा ये टीम रहा, शिखर धवन रहेंगे, सिमरन रहेंगे और जितेंद्र शर्मा हो गए, लैम लिंस्टोन हो गए, सिकंदर राजा, सैम करण, शाहरुख खान, ऋषि धवन, हरप्रीत बरार, राहुल चौर, अर्षदीप सिंह और नथन एलियस। दोस्तों ये हमारे हो गए प्लेइंग 11। अब हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट के बारे में, जो कि पिच रिपोर्ट अगर पिच रिपोर्ट आपको पता नहीं होगा तो आपको एक बढ़िया टीम आप नहीं बना पाएगा, मुझे गारंटी है, मैं 100% बोल रहा हूँ। अगर पिच रिपोर्ट आपको पता रहेगा तभी अच्छा टीम बना सकते हैं। तो ये हमारा पिच रिपोर्ट रहा, मैं बता दूँ कि पिच रिपोर्ट यह एक गेंदबाजों के लिए बहुत ही बढ़िया पिच है ये, क्योंकि यहाँ एक औसत स्कोर बहुत ही कम है, यहाँ पे 140-150 रन बनता है। तो और यहाँ पर कुछ पिछले मैचों में मतलब मैंने देखा है कि 13 मैच कुल हुए यहाँ पर मैच, जिसमें से 9 मैच जो कि पहले गेंदबाजी करने वाला जीता है, जो कि आप बोल सकते हैं सेकेंड इनिंग वाले यहाँ ज़्यादा जीतना, सेकेंड इनिंग वालों का ज़्यादा जीतने का यहाँ चांस बना रहता है दोस्तों। मतलब बता दूँ 13 में से 9 मैच जीते हैं गेंदबाजी वाले और 4 मैच जीते हैं जो टॉस जो पहले बैटिंग करते हैं। तो यहाँ आपको इस हिसाब से देख सकता है कि यहाँ एक पेसर्स के लिए बहुत ही अच्छा ये पिच है, और यहाँ बॉलिंग में ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बॉलिंग बॉलर ही आज अच्छे विकेट निकालेंगे। और यहाँ बता दूँ कि मैं स्पिनर्स के लिए भी आप अच्छा बॉलिंग स्पिनर्स के लिए ले सकते हैं, बट स्पिनर ऐसा बॉलर को लेना है जो अच्छा वो पॉइंट दे, मैं बताऊँगा किस स्पिनर को लेना है ये भी मैं बताऊँगा, आप बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ पिछले रिसेंट जो दिल्ली और पंजाब के कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि रिसेंट में अच्छे प्रदर्शन किए, तो उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल इसके पहले वाले मैच में या पूरे IPL में इस बार बढ़िया खेले हैं। यहाँ अगर मिचेल मार्स हो गए, ये दोनों बढ़िया प्लेयर अभी निकले हैं, मतलब पूरे इनके मैच से मैं दो को चूज़ किया जो कि अच्छा पॉइंट दिए हैं। ये पंजाब का होगा शिखर धवन और सैम करण, ये दोनों पंजाब के पूरे मैच से मैंने एक औसत निकाला है, तो औसत में से ये दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेइंग मुझे लगा है, तो मैं इन चारों को रखा हूँ अपनी टीम में। और यहाँ पर मैं आपको बता दिया कि ये दिल्ली और पंजाब की तरफ से दो बॉलर अच्छा खेल रहे हैं अभी। तो ये हमारा हो गया एक मोस्ट लीग पिक, जो कि हमारा अच्छा एक मतलब प्लेयर्स रहेंगे ये, तो इनको अपने टीम में ज़रूर रखिएगा। फिर हम यहाँ बात करेंगे कि अगर आप एक ग्रैंड लीग बनाना चाहते हैं, मतलब आप एक हाई लेवल का टीम बनाना चाहते हो, ग्रैंड लीग जो कि 49 रुपये में आप बोलते हैं 2 करोड़ जितना है, वो वाले टीम अगर बनाना है आपको, तो यहाँ आप रिक्स ले सकते हैं दिल्ली की तरफ से रिपल पटेल पे और ललित यादव पे। इन दोनों अभी अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या पता आज के मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं ये भी, तो एक रिक्स ही टीम रहेगा, बट आप इसको इस पर आप रिक्स ले सकते हैं। यहाँ हो गए नीचे पंजाब की तरफ से ऋषि धवन हो गए और ये राजा पक्सा भी स्टार्टिंग में मैच में बहुत बढ़िया खेले थे, बट अभी बीच में कुछ डाउन हो गया, बट मुझे लग रहा है आज खेल सकते हैं बढ़िया, तो इस पर भी आप रिस्क ले सकते हैं, ऋषि धवन भी रिस्क ले सकते हैं आप। ये हमारे ग्रैंड लीग के होगा और ये हमारा स्मॉल लीग का था। स्मॉल लीग में आपको यह मतलब जिताने के चांसेस पर 100% है, अगर स्मॉल लीग में आप लीजिएगा तो इनको जिता ये आपको जरूर जिता सकते हैं। अब यहाँ हम बात कर हेड टू हेड के बारे में, तो मैं बता दूँ कि दिल्ली और पंजाब के पिछले कुछ मैचों में मतलब 5 मैच हुए हैं इन दोनों के बीच में, जहाँ पे दिल्ली ने 4 मैच जीता है और पंजाब ने 1 मैच जीता है दोस्तों। ये हमारा हो गया, और अब बता दूं मैं कि 5 मैचों में देख सकते हैं दिल्ली ने जीता है 4 मैच। हम चलेंगे ड्रीम इलेवन के स्क्रीन पर, जहाँ एक हम एक बढ़िया टीम बनाएंगे और हमारे हिसाब से जो भी प्रेडिक्शन हुआ, जो भी एनालिसिस है, उस हिसाब से एक अच्छा टीम लगाएंगे। तो दोस्तों आप चलते हैं अपने स्क्रीन पर, दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।
अपनी ट्रिबल के स्क्रीन पे दोस्तों हम रहेंगे एक बढ़िया टीम, जो कि मैंने दो टीम बना रखा है आपको मैं दिखाता हूँ तो अपनी दोनों टीम, और मैं उसको बार बार आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा किस क्यों मैं क्यों किनको लिया हूँ। देखिए तो ये हमारा रहा एक स्मॉल लीग का टीम, जो कि मुझे लग रहा है कि अगर स्मॉल लीग में इन इस टीम को लेंगे तो हमें एक अच्छा पॉइंट मिलेगा और जीतने का चांस भी 98% रहेगा, 99% रहने वाला है मतलब इस टीम को जीतने के लिए। क्योंकि यह मुझे लग रहा है कि देखिए अगर आप ले रहे हैं यहाँ पर शिखर धवन को, शिखर धवन एक बढ़िया प्लेयर है इनको बहुत लोग लिया होगा, लेकिन अगर शिखर धवन मैंने गारंटी रन भी मारेंगे बहुत अच्छा, तो इनको इसलिए मैं इनको लिया हूँ और ये अच्छा पॉइंट भी देंगे। अब देखिए ग्रैंड लीग का मतलब क्या है कि चलो ग्रैंड लीग में करोड़ों आदमी है, तो अगर शिखर धवन को मान लीजिए 2 लाख आदमी लिए होंगे तो 2 लाख में तो आपका भी इधर उधर तरफ थोड़ा बहुत पॉइंट इधर अंदर रह सकता है या ज़्यादा रह सकता है, तो अगर कम हुआ तो आप चले जाइए पीछे, वही स्मॉल लीग रहेगा, स्मॉल लीग में 10,000-15,000 या 10 लोग रहेंगे या 50 लोग रहेंगे या 100 लोग रहेंगे, तो उसमें आप अगर शिखर धवन को लीजिएगा तो क्या पता एक ऐसा प्लेयर आपके टीम में हो जो कि अच्छा पॉइंट लिया हो, उनके टीम में अच्छा नहीं हो तो आप आगे बढ़ जाएगा बढ़िया से। इसलिए मैंने स्मॉल लीग के लिए टीम बनाया है। ये देख सकते हो अक्षर पटेल है, मिचेल मार्श है, सैम करण है, अर्षदीप सिंह हो गए, कुलदीप यादव हो गए और ईशांत शर्मा, तो ये हमारा हो गया प्लेइंग 11। और मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन के तौर पर इनको ऐसा रखा है क्योंकि मिचेल मार्श मुझे लग रहा है कि आज के स्मॉल टीम के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं, इसलिए मैं इनको लिया हूँ। अब ये हमारा ये रहा एक रिक्सी प्लेयर और रिक्सी टीम और एक ग्रैंड लीग के लिए टीम, तो ग्रैंड लीग के लिए मैं इनको ऐसा बना टीम अपना बना रखा है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे किसी को चेंजिंग कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज लिविंग स्टोन उतना अच्छा पॉइंट देने वाले नहीं है, तो आप इनको हटाकर किसी और को ले सकते हैं। बट मैंने सोच रहा है कि रिस्क लेना ही है तो रिस्क लेना है तो इसलिए मैं रिस्क लेकर ऐसा टीम बना रखा हूँ, और अगर शाम को कुछ चेंजिंग होता है तो हम चेंज करेंगे इसमें, तो आपको भी मैं वो अपडेट दूंगा। आप मेरे चैनल बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपके लिए मैंने इतना मेहनत किया तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइए कमेंट में, मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दूंगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये हमारे ग्रैंड लीग के लिए टीम, मैं बता दूँ कि मैं आप इनको लिविंग स्टोन को हटा कर किसी और को ले सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा एज खेलने वाले हैं, और बता दूँ कि जो अच्छा खेलेगा मैं उनके बारे में बताऊँगा। तो अच्छा खेलने वाले प्लेयर अक्षर पटेल रहेंगे जो आपको अच्छा पॉइंट देंगे, बहुत ही अच्छा पॉइंट देंगे। विपक्षा भी एक रिक्सी हो सकता है, बट मुझे लग रहा है कि विपक्षा अच्छा पॉइंट दे सकते हैं। जितेश शर्मा हो गए, शिखर धवन तो आपको देना ही देना है क्योंकि शिखर धवन के कंधे में मुझे लगता है कि पंजाब का पूरा बोझ है, तो ये हो गए। कुलदीप यादव अच्छा पॉइंट देंगे आपको, और हरदीप सिंह भी 1-2 विकेट लेंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि हरदीप सिंह पिछले कुछ मैच में अच्छा विकेट निकाल नहीं पा रहे, अच्छा पॉइंट दे नहीं पा रहे, तो लगा मुझे आज के मैच अच्छा ही खेलने वाले हैं, और एक मिचेल मार्श हो गए। तो हमारे कुछ ऐसे प्लेयर जो आपको अच्छा पॉइंट देंगे दोस्तों। तो अगर दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और आपके लिए मैं ऐसे ही हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।